हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस दिस इज़ रंजन और एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ इस इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल नंबर टू में सीरीज़ एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स में बेसिकली हम लोग डील कर रहे थे तो टुडे वी आर गोइंग टू डील अपॉन द न्यूमेरिकल्स ऑन पैरल ए सर्किट्स ठीक है तो यूजुअली हम लोग जो ए uh, सी के न्यूमेरिकल्स जो भी काउंटर करते हैं एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं तो उसमें आपको न्यूमेरिकल बेसिकली सिंगल फेज ए में आपको, आपको सिर्फ तीन वराइटीज के मिलते हैं फर्स्ट इज सीरीज ए सर्किट्स सेकंड इज पैरल ए सर्किट्स एंड थर्ड विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज द सीरीज एंड पैरल कंबाइंड ए सर्किट्स ठीक है तो अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि सीरीज ए सर्किट्स के न्यूमेरिकल को कैसे डील किया जाए हम लोगों ने कुछ एक आध क्वेश्चन भी बनाए हुए थे जहाँ पे मैंने कोशिश किया हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम नंबर वराइटीज होते हैं वो एक ही क्वेश्चन में कंपाइल करके हम लोग कवर अप कर पाए तो इन द सेम वे आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे ऑन एसी सर्किट्स पे जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एसी सर्किट में आपका एक यूजुअल अप्रोच कैसे चेंज हो जाता है क्या क्या डिफरेंस आते हैं एक सीरीज एसी सर्किट के न्यूमेरिकल में और एक पैरल एसी सर्किट के न्यूमेरिकल में तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पैरल सेम क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सोल्विंग द सेम क्वेश्चन आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पैरल एसी सर्किट का क्वेश्चन मैंने लिख रखा हुआ ऑलरेडी बोर्ड पे तो आइए चलिए मैं रीड करता हूँ सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन टू ब्रांचेस ए एंड बी आर कनेक्टेड अक्रॉस टू हंड्रेड बोल्ट फिफ्टी हर्ड्स इफ ए कंसिस्ट ऑफिसटेंस ऑफ टेन ओम्स एंड इंडक्टेंस ऑफ पॉइंट बी कंसिस्ट ऑफ अटेंस ऑफ ट्वेंटी ओम्स एंडर ऑफ फोर्टी माइक्रो फेरेट देन कैलक्युलेट तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इफ़ टू ब्रांचेस ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरल होना चाहिए एक दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट थिंग टोटल इंपिडेंस सेकेंड टोटल सप्लाई करंट थर्ड करंट इन ईच ब्रांच फोर्थ पावर फैक्टर एंड लास्ट पॉइंट डाय सर्किट ठीक है तो मैंने कोशिश किया कि हुआ so क्वेश्चन कि एक एक में आपको तो आइडेंटिफाई करना, तो करना होता है कि एक एक ब्रांच के अंदर कौन से दो एलिमेंट लगे हुए हैं तो आइए देखते हैं दो ब्रांच ब्रांच ए एंड बी में से फर्स्ट ब्रांच के अंदर कौन से एलिमेंट लगे हुए हैं ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ टेनओम्स एंड इंडक्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट वन टू हेनरी ठीक है तो आपको कंटेंट ऑलरेडी पता चल गया कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है टेन होम्स का और एक इंडक्टेंस है जीरो पॉइंट वन टू हेनरी की तो जब हम लोग सोलूशन स्टार्ट करेंगे इसका तो कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं सबसे फर्स्ट फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैन आइडेंटिफाई दैट ब्रांच ए इज हैविंग branch A is having a resistance of 10 ohms and inductance of 0.12 Henry. देखिए ये identify करना बहुत important है कि आपको question में XL given है या L की value given है. That is inductance given है. ठीक है. Since जब आप impedance find out करेंगे तो आपके लिए ये inductance की value से find out करना डिफिकल्ट रहेगा इससे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं सिंस द फॉर्मुला ऑफ इंपिडेंस इंपिडेंस कैलकुलेशन इज दैट इज इक्वस टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सक्वायर ठीक है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो इसलिए अगर ये इंडक्टेंस दिया हुआ तो इमीडिएटली आपको इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए किसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में तो हम लोग यहां गिवन में ही कन्वर्ट कर लेंगे कि देअर फोर एक्सएल इज इक्व टू ओमेगा एल दैट इज इक्व टू टू पाई एफ एल वेयर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी हर्ट्ज़ ठीक देयर फोर एक्सएल शुड बी इक्व टू टू पाई एफ जीरो पॉइंट वन टू हेनरी ठीक देयर फोर एक्सएल इज इक्व टू इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और एक्सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग दिस एक्सेल विल बी द एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होना चाहिए इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए और सर्किट में आगे प्रोसीड करने के लिए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आप जब भी गिवन लिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम डेटा को यहीं पे आप सिंपलीफाई करके कैलकुलेट कर लें सो दैट जब न्यूमेरिकल में आप सॉल्व कर रहे हो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू को ही लेकर इंपिडेंस सॉल्व कर देते हैं तो इसको नहीं इससे इसको आपको सबसे पहले एक्सेल में कन्वर्ट करना है जो एक्सेल की वैल्यू आएगी उसको आपको यूज़ करना है रजिस्टेंस के साथ सो दैट कि आपका इंपिडेंस कैलकुलेट हो सके ठीक है तो आगे प्रोसीड करते हैं इसकी वैल्यू में जल्दी से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि नेक्स्ट ब्रांच uh, जो है उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करें और उसकी एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें ठीक है तो एक्सेल की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे इट इज थर्टी सेवन ओम्स मैंने अपने सेलफोन में ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहां से कैलकुलेट मैं करते जा रहा हूँ आपको इमीडिएटली ऑन बोर्ड वैल्यूज भी बताते जाऊंगा

यहां लिखा हुआ है कि ब्रांच बी के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ट्वेंटी ओम्स का और एक कैपेसिटर है फोर्टी माइक्रो सो फॉर ब्रांच बी वी विल राइट ब्रांच बी वी आर हैविंग रेजिस्टेंस इज़ टू ओम्स और कैपेसिटर की वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज गिवन इन फैर माइक्रोफेरेट्स तो अगर फेर में गिवन है मतलब कैपेसिटेंस सी की वैल्यू गिवन है सो वी कैन राइट इट एज फोर्टी और माइक्रो इसलिए पावर माइनस सिक्स फेरट्स अगेन अगर आपको इंपिडेंस की वैल्यू कैल्कुलेट करनी है तो इंपिडेंस कैलकुलेट करने के लिए यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ एक्ससी ठीक है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं एक्ससी के फॉर्म में देअर फोर एक्स इज इक्वस टू वन अपॉन ओमेगा सी दैट इज इक्वस टू वन अपॉन टू पाई एफ सी दैट इज इक्वस टू वन अपॉन टू पाई इंटू फिफ्टी इंटू फोर्टी रेस इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस सिक्स इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं तो चलिए ग्रेजुअली इसको भी सॉल्व कर लेता हूं मैं सो इट शुड बी वन अपॉन टू पाई इंटू एफ इंटू फोर्टी इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स सो दिस वैल्यू इज सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव डबल सेवन ओम्स तो ऐसे हमारे पास एक्सी और एक्सएल दोनों की वैल्यू आ चुकी है ठीक है आइए देखते हैं कि इन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग और ये जो ओवरऑल डेटा है और क्वेश्चन में गिवन सेक्शन गिवन है टू हंड्रेड वोल्ट फिफ्टी हर्ट द टोटल सप्लाई वोल्टेज इन आर फॉर्म और फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यूज कर रहे हैं फिफ्टी हर्ट्स की तो यहां कहीं पे भी साइड पे लिख लेते हैं सप्लाई वोल्टेज इज टू हंड्रेड वोल्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म बाय डिफॉल्ट होता है आर जो हम लोगों ने एसी के रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में देखा होगा तो उससे रेफर करके हम लोग लिख सकते हैं सर्किट है? तो कैसे ड्रॉ करते हैं एक्सेल की वैल्यू लिखेंगे हम लोग ठीक है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इम्पिडेंस तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं थर्टी सिक्स डबल नाइन ओम्स एंड नाउ दिस ब्रांच इज कनेक्टेड इन पैरल विद ब्रांच बी अब देखिए ब्रांच बी का डेटा है रजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी ओम्स रजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी ओम्स एंड कैपेसिटर ऑफ सेवेंटी पॉइंट फाइव डबल सेवन सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव डबल सेवन ओम्स ठीक है ये ब्रांचेस पैरल में कनेक्टेड है अगर पैरल में कनेक्टेड है तो किसके अक्रॉस कनेक्टेड है अक्रॉसई ऑफ आरएमएस टू हंड्रेड वोल्ट तो आर एम एस वोल्टेज वी आर एम एस ऑफ टू हंड्रेड वोल्ट एंड फिफ्टी हर्ट ये बन गया इसका सर्किट ठीक है अब इस सर्किट का यूज करेंगे हम लोग आप चाहें तो इसमें नेमिंग भी कर सकते हैं ब्रांच ए ब्रांच बी ऐसा ब्रांच वाइज आप नेमिंग कर लीजिए और इसके बेसिस पे हम लोग अब क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंपिडेंस ठीक है तो आइए देखते हैं इंपिडेंस का कैलकुलेशन इसमें कैसे हो सकता है सबसे फर्स्ट थिंग सो वी आर गोइंग टू राइट टोटल इंपिडेंस टोटल इंपिडेंस इक्व टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो सिंस हमारे पास अब टोटल इंपिडेंस निकालने से पहले सबसे पहले तो हमको ये ब्रांच वाइज इंपिडेंस कैलकुलेट करके निकालना होगा और ब्रांच वाइज इंपिडेंस है क्योंकि ये पैरल सर्किट है तो देखिए कितने टाइप के इंपिडेंस होंगे यहां पे Z1 वन या जेड ए लिख लीजिए आप ब्रांच ए के लिए और Z2 टू विल बी द इंपिडेंस ऑफ ब्रांच टू या ब्रांच बी ठीक है इन दोनों की वैल्यू जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे देन आफ्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओवरऑल टोटल इंपिडेंस बाई कम्बाइनिंग दीज टू इंपिडेंसेज ठीक है तो अब देखते हैं इसको कैसा यूज करते हैं सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड वन इंपिडेंस ऑफ फर्स्ट ब्रांच तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इट शुड बी अंडर रूट आर स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह पे एक्स एल है हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स डबल नाइन ठीक है इसका यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड वन ठीक एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड टू ऑल्सो तो अब देखिए इसको फाइंड कर लेता हूं मैं सो दिस शुड बी अंडर रूट टेन स्क्वायर थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स डबल नाइन स्क्वायर सो दिस वैल्यू इज थर्टी नाइन पॉइंट डबल जीरो टू दिस वैल्यू इज थर्टी नाइन पॉइंट डबल जीरो टू ओम्स इससे वैल्यू मिल गई फर्स्ट ब्रांच के इंपिडेंस की एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंपिडेंस ऑफ ब्रांच टू दैट इज जेड टू इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर क्योंकि यहां कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए वी हैव एक्स सी और यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है तो इसलिए वी कैन राइट इट एज एक्स एल ठीक है सो देयर फोर इट शुड बी जेड टू इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी स्क्वायर प्लस सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव डबल सेवन स्क्वायर ठीक है एंड बाय दिस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड टू तो ऐसा करके हम लोग ये कर रहे हैं कि दोनों ब्रांचेस की पहले इंडिविजुअल इंपिडेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर इन दोनों का यूज करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओवरऑल टोटल इंपिडेंस तो चलिए एक बार फिर से इसमें वैल्यू डाल देता हूं सो दिस वैल्यू इज पॉइंट स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर एंड दिस इज एटी टू पॉइंट जीरो ये मिल गई हमको जेड टू की वैल्यू ठीक है और जब अब इंडिविजुअल इंपिडेंस हम लोग निकाल चुके हैं तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओवरऑल टोटल इंपिडेंस अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता किसी पैरल सर्किट से तो आप कैसे निकालते हैं आर टोटल या आर पैरल इज इक्व टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ठीक है इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डू टोटल इंपिडेंस तो अगर मुझको जेड टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा इससे क्योंकि देखिए मेरे दोनों इंपिडेंस पैरल में जुड़े हुए हैं तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज ऐसी सर्किट के सॉल्व करने का अप्रोच दोनों के अप्रोच में सबसे मेजर डिफरेंस आता है जब आप इंपिडेंस कैलकुलेट करते हैं ठीक है सीरीज ऐसी सर्किट था ट काइंड ऑफ सर्किट यू यूज टू कैलकुलेट दायरेक्टली फ्रॉ द सर्किट सर्किट के अंदर सपोज तीन एलिमेंट भी लगे हुए हैं तो आप जेड निकालते थे अंडर उ एक्स की वैल्यू आप देखते थे कि इधर इट कैन बी एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्र लेकिन यहां ये यह कंडीशन नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां क्या कर रहे हैं यहां हम लोग इंडिविजुअली ब्रांच वाइज पहले इंपिडेंस अलग कैलकुलेट कर रहे हैं इन दैट ब्रांच देयर कैन बी द सिचुएशन ऑफ एक्सल माइनस एक्सी और एक्ससी माइनस एक्सएल एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सल एंड एक्सी ठीक और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोनों इंडिविजुअल ब्रांचेस या तीन इंडिविजुअल ब्रांचेस जितनी भी पैरल ब्रांचेस होंगी सबकी अलग अलग इंपिटेंस कैलकुलेट करने के बाद सारी को कंबाइन करके नेट इंपिडेंस या टोटल इंपोर्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं इसलिए इसको अलग कलर से मैंने शो किया हुआ है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि सीरीज एसी सर्किट और पैरल एसी सर्किट में पहला डिफरेंस कहां पर आता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो so, अब इसमें चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं तो जेड टोटल शुड बी बीस टू Z1 into Z2 that is 39.002 82 39.002 82.051 82.051 ठीक है टोटल the impedance ऑफ द सर्किट तो चलिए इसको find कर लेते हैं ठीक है तो टोटल impedance ऑफ द सर्किट Z1 into Z2 upon Z1 plus Z2 दोनों की वैल्यू को ग्रेजुअली मैं पुट करने वाला हूं यहां पे so this should be 39.002 into 82.051 upon 39.002 plus 82.051 and this is equals to 26.435 26.435 ohms ठीक है तो यहां से हमारे पास टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट की वैल्यू आ चुकी है जो हमारे क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट था यहाँ पे सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई करंट तो आइए देखते हैं टोटल सप्लाई करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे सो नाउ आवर सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल सप्लाई करंट टोटल सप्लाई करंट दिस शुड बी आई आर एम एस और अगर आप इस पे बेसिक ओम स्ला अप्लाई कर देते हैं तो आई आर एम एस शुड बी इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड टोटल ठीक है हमारे पास सारी वैल्यू आइडेंटिफाइड है वी आर एम एस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन टू हंड्रेड बोल्ट दिस वैल्यू जेड टोटल अभी जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं देयर फोर आई आर एम एस टोटल शुड बी इक्वस टू वी आर एम एस दैट इज टू हंड्रेड अपॉन जेड टोटल दैट इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर थ्री फाइव दे आर फोर आई आर एम एस इज इक्वस टू ठीक है करना कुछ नहीं है सिर्फ आपको आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय जस्ट सिंपली ओम्स लॉ वी जेड टोटल ठीक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर थ्री फाइव फोर थ्री फाइव यस इट इज सेवन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव सेवन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ठीक है तो यहां से हम लोगों ने टोटल करेंट की भी वैल्यू निकाल लिया टोटल इंपिडेंस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया अब चलते हैं करंट इन ईच ब्रांच अब लिखा हुआ है हर एक इंडिविजुअल ब्रांच में कितनी करंट है अब वो आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पैरेलल सर्किट का अगर आप कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता होगा कि इन एनी काइंड ऑफ पैरल सर्किट्स द वोल्टेजेस आर सेम इन ईच ब्रांच हर ब्रांच में वोल्टेजेस बिल्कुल सेम होती हैं लेकिन करंट चेंज होती रहती है जितनी बार ब्रांचेस डिवाइड होंगे ठीक है तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि अगर मैं यहां पे लिखू वी आर एम एस वन कितना होगा तो दिस शुड बी ऑल्सो टू हंड्रेड वोल्ट अगर मैं यहां पे लिखू वी आर एम एस टू तो दिस इज ऑल्सो टू हंड्रेड वोल्ट तो आपके पास दोनों ही सेक्शन के देखिए वी आर एम एस वन की वैल्यू अवेलेबल है जेड वन की वैल्यू अवेलेबल है सिमिलरली वी आर एम एस टू और जेड टू की वैल्यू अवेलेबल है क्वेश्चन में पूछा है कि आपको इंडिविजुअल ब्रांच करेंट्स बतानी है कि यहाँ से जो करंट जा रही है आई आर एम एस वन और इस सेक्शन से जो करंट जा रही है आई आर एम एस टू ये दो करेंट्स की वैल्यू कितनी होंगी तो इसको आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आई आर एम एस वन इज इक्वस्ट टू वी आर एम एस वन बाई जेड वन और सेम वे में आई आर एम एस टू इज इक्वल टू वी आर एम एस टू बाई जेड टू सिंपल ओम्स लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कुछ भी नया चीज नहीं है इसके अंदर बस आपको करना यह है कि जो वी आर एम एस वन है और जेड वन है दोनों की वैल्यू को पुट कर देना है ठीक है तो आइए देखते हैं दोनों की वैल्यूज कितनी कितनी है वी आर एम एस वन की वैल्यू तो बिल्कुल सेम टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई जेड वन सो जेड वन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज थर्टी नाइन पॉइंट डबल जीरो टू तो पुट कर देते हैं थर्टी नाइन पॉइंट डबल जीरो टू and this value is 5.127 it is 5.127 amperes aur waise hi jab humko i rms 2 ki value find out karni hai to kaise find karenge again v rms 2 divided by z2 तो Z2 की value भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 82.051 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो 82.051 दिस केम आउट टू बी टू पॉइंट फोर थ्री सेवन एम्पियर्स ठीक है तो इंडिविजुअल ब्रांच करेंट भी कैलकुलेट कर लिया सेम जैसे हम लोगों ने टोटल करेंट कैलकुलेट किया हुआ था जब हमको यहां पर आई आर एम एस टोटल फाइंड आउट करना था तो दैट वॉज इक्वल टू टोटल सप्लाई वोल्टेज ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल इंपोर्टेंस ऑफ द सर्किट तो जब हमको ब्रांच की करेंट फाइंड करनी है तो ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज ब्रांच के अक्रॉस का इंपोर्टेंस उस पूरे ब्रांच का इंपोर्टेंस तो इन दैट सेम वे वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस वन वैल्यू ऑफ आई आर एम एस टू अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड अच्छा दिस वॉज द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच दिस वी हैव कैलकुलेटेड नाउ इन द फोर्थ पार्ट पावर फैक्टर फाइंड करना है अब पावर फैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो दैट मीन्स पूरी ओवरऑल सर्किट का नेट पावर फैक्टर फाइंड करना है तो पावर फैक्टर के फॉर्मुला यूजुअली हम लोग जानते हैं आप आप चाहें तो एसी के पुराने वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं जहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पावर फैक्टर कॉफ वाइज इक्वर अपन जेड यानी नेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्किट या तो पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मुला को साइन ऑफ फेस डिफरेंस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट या थर्ड फॉर्मुला पावर फैक्टर टू पी अपन एस दैट इज एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर तो यूजुअली अगर आप ये तीनों डेटा को देखें तो इस तीनों में से हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है दैट इज पावर फैक्टर टू टोटल रेस्टेंस अपॉन टोटल इंपिडेंस तो अब चलते पावर फैक्टर कैलकुलेट करने तो मैं इस ड्यूरेशन के लिए क्वेश्चन का ये पूरा जो है, इसको इरेज कर देता हूं और हम लोग यहां से फिर पावर फैक्टर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ठीके? तो फोर्थ पॉइंट में स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेन ऑफ पावर फैक्टर सोना पावर फैक्टर सो फॉर द पावर फैक्टर कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मुला ऑफ कॉस फाइव इज इक्वस टू आर अपॉन जेड ऑफ द सर्किट ठीक है तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सर्किट इंपिडेंस तो रेजिस्टेंस में देखा हुआ है टेन ओम का रेजिस्टेंस और ब्रांच बीज है जुड़ी हुई है सोनाओ अगर आपको यहां पर आर टोटल की वैल्यू चाहिए तो दिसल टू ट्वेंटी ठीक है टू हंड्रेड बाई थर्टी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ये वैल्यू मिल गई हमको सिक्स पॉइंट सिक्स 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 ओम्स की ये रेजिस्टेंस आ गया एंड Z टोटल इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले ही वहाँ निकाल के रखा हुआ है Z टोटल इज इक्वस टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर थ्री फाइव इट इज़ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर थ्री फाइव तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं नाउ कॉस फाइव शुड बी इक्व टू टोटल रेजिस्टेंस सिक्स पॉइंट सिक्स 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 Upon 26.435. Take a 6.666 divided by 26.435, and this is now equals to 0 0.252. Therefore, phi is equals to, this phi I have calculated because we are going to draw the phasor diagram. फॉर दिस एंटायर गिवन क्वेश्चन अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो फाइव डिफरेंस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट भी फाइंड पहले से कर लेते हैं हम लोग ठीक है सो इट शुड बी कॉस इन वर्ड जीरो पॉइंट टू फाइव टू का कॉस इन वर्ड अगर मैं निकालू तो दिस इज सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर जीरो फोर डिग्रीज ठीक है तो ये जो वैल्यू है ये आगे चल के मेरे काम आएगी जब मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ तब ठीक है सो फॉर नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव वॉज आज इन द क्वेश्चन इज 0.252 ठीक अच्छा एक चीज एक इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी आप पार फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जब भी आप कॉस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सिंस इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि कॉस फाई की वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन किसी भी कंडीशन में तो अगर सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और गलती से कोई वैल्यू आपकी मिस्टेकन mistaken, मिस्टेकनली आपने कुछ ऐसा पुट कर दिया जिससे वैल्यू जो आपका आंसर है कॉस्ट फाइव का वो अबव वन आ रहा है तो आप उसको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं तुरंत चेक कर सकते हैं देख सकते हैं क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिए चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो कैसा भी डेटा गिवन हो सर्किट का कैसा भी अरेंजमेंट होगा पावर फैक्टर की वैल्यू कभी वन से ऊपर नहीं आ सकती उससे उसकी से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती द मैक्सिमम वैल्यू अलाउड फॉर अ पावर फैक्टर इज वन ओनली कॉस फाइव की वैल्यू वन तक ही जब वेरी कर सकती है उससे ऊपर नहीं ठीक है सो फॉर दिस इट इज़ द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव टू और फेज फेजर ड्रॉ करने के लिए मैंने फेज डिफरेंस एंगल की वैल्यू भी लिख के रखा हुआ है पहले से अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग तो इंपॉर्टेंट टास्क वॉज कि जब पार फैक्टर आप सीरीज ऐसी सर्किट में निकालते थे तो वी यूज टू डू आर अपॉन जेड लेकिन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के फॉर्म में थे तो इसलिए रेजिटेंसिस को डायरेक्टली या तो ऐड कर दो आप या अगर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ तो डायरेक्टली दैट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इंपिडेंस लेकिन यहाँ पे पैरल सर्किट जब आप सॉल्व करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तब मिलेंगे जब आप रेजिस्टेंस है इसको पैरल में सॉल्व करेंगे तो अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और दोनों पैरेलल में है तो आपको सबसे पहले उन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा फिर जो कंपोनेंट आएगा उसको फिर आप कॉसफाई के फॉर्मुले में यूज करेंगे दिस वॉज द इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट थिंग इस पूरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ड्रॉइंग ऑफ फेजर थोड़ा ध्यान दीजिएगा पैरल एसी सर्किट्स के अंदर का फेजर थोड़ा सा अलग होता है सीरीज एसी सर्किट के कंपेरिजन में तो अगर मैं फेजर के कैलकुलेशन पे आऊँ तो देखते हैं क्या लिखना चाहिए हमको फिफ्थ पॉइंट इज फेजर तो फेजर सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ब्रांच वाइज इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कंबाइन करेंगे एक में. So, so, A, तो मुझको ब्रांच ए के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए वी एम वन आई एम वन फाइव वन ठीक है एक फेजर ड्रॉ करने के लिए आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज करेंट और फेज डिफरेंस एंगल उस पर्टिकुलर ब्रांच की

वी आर एम एस वन इंटू रूट टू ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये ध्यान रखिएगा हम लोग जब वी आर एम एस या आई आर एम एस का जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां से हम लोगों ने निकाला था वी आर एम एस टू वी एम अपॉन रूट टू ये वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू के डेरिवेशन में हम लोगों ने एक वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ था जहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोगों ने डिस्कस किया था तो आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार फिर से रेफर कर सकते हैं अगर ये पॉइंट ना याद आ रहा हो तो यूजअली वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन रूट टू देर फोर वी मैक्सिमम इज इक्वस टू वी आर एम एस इन टू रूट टू तो हम लोग वी मैक्स वन की वैल्यू ऐसे ही पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं देयर फोर शुड बी टू हंड्रेड इन टू रूट टू एंड देयर फोर वी एम इज इक्वस टू टू हंड्रेड इन टू रूट टू दूटी टू पॉइंट एट फोर टू वो आ गई वी एम वन की वैल्यू सिमिलरली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आई एम वन तो आई एम वन के लिए अब यह पूरा सेम स्टेप ही हमको फॉलो करना है आई आर एम एस वन पहले से फाइंड करके रखा हुआ है हम लोगों ने क्वेश्चन में ही पूछा हुआ था इंडिविजुअल ब्रांच करेंट फाइंड करनी है तो हमको बस करना यह कि आई आर एम एस वन की वैल्यू पुट करनी है और इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू लिखी हुई है बोर्ड पे, इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं तो वैल्यू ऑफ आई आर एम एस वन ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है बस इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करना है सो दिस पॉइंट वन टू सेवन इन टू रूट टू सो दिस इज सेवन पॉइंट टू फाइव जीरो दिस इज सेवन पॉइंट टू फाइव जीरो एम्पियर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट मिल गई हमको अब बस एक ही चीज करना है कि फाइव वन फाइंड करना है तो फाइव वन से पहले मैं लिखता हूं कॉस फाइव वन इज वन बाई जेड वन आर वन की वैल्यू टेन और जेड वन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है थर्टी नाइन पॉइंट जीरो जीरो टू थर्टी नाइन पॉइंट जीरो जीरो टू फोर कॉस फाइव वन विल बी इक्वस टू टेन अपॉन थर्टी नाइन पॉइंट जीरो जीरो टू थर्टी नाइन एक मिनट दिस इज टेन डिवाइडेड बाय थर्टी नाइन पॉइंट जीरो जीरो टू एंड इट केम आउट टू बी जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स ठीक है लेकिन हमको कॉस फाइव नहीं हमको फाइव वन की वैल्यू चाहिए देयर फोर फाइव वन विल बी इक्व टू कॉस इनवर्स इन वर्स जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स एंड दिस इज सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स सेवन डिग्री फाइव वन की वैल्यू निकल के आ गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस ये तीन ही वैल्यूज हैं एंड है ठीक है सेम थिंग हम लोग सेकेंड ब्रांच के लिए भी करने वाले हैं देर फोर ब्रांच बी अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं सबसे पहले चाहिए वी एम टू वी एम बी जो भी आप चाहे लिख सकते हैं तो वी एम बी शुड बी इक्व टू वी आर एम एस टू इन टू रूट टू अब हमारा वी आर एम एस भी टू हंड्रेड था तो वी एम टू की वैल्यू भी उतनी आनी चाहिए जितनी वी एम वन की वैल्यू आई दूटी टू पॉइंट एट फोर टू वोल्ट इन द सेम वे आई एम टू शुड बी इक्वस टू आई आर एम एस टू इन टू रूट टू तो देखिए आई एम टू की वैल्यू मैक्सिमम करंट इन सेकंड ब्रांच शुड भी टू पॉइंट फोर फोर सिक्स एम्पियर्स तो मैक्सिमम करंट एट सेकेंड ब्रांच लास्ट थिंग पावर फैक्टर निकाल लेते हैं पहले कॉस फाइज इक्वर टू अपॉन जेड टू कॉस फाइव टू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है तो R2 की वैल्यू थी 20 और Z2 की वैल्यू हम लोगों ने यहां कैलकुलेट किया हुआ है 82.051 ठीक इसको सॉल्व कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय 82.051 और इसकी वैल्यू है 0.243 लेकिन हमको कॉस फाइ नहीं हमको फाइ टू की वैल्यू चाहिए तो फाइव टू शुड बी इक्वल टू कॉस इन वर्स जीरो पॉइंट टू फोर थ्री एंड दिस इज सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन थ्री सिक्स तो ये फेजर कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है जब भी आप पैरल इसी सर्किट सॉल्व करते हैं तो फेज़र का कैलकुलेशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल पार्ट भी है तो आपको बिल्कुल ध्यान से एक स्टेप वाइज कैलकुलेट करना होता है आप जब ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसे स्टेप वाइज भी करने की जरूरत नहीं है आप एक ही बार में डायरेक्टली आप वी एम टू वी एम वन आई एम टू आई एम वन फाइव वन फाइव टू ये सब सीधे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आप सीधे यहाँ पे चाहें तो कॉस इनवर्स वर्स आर बाई जेड करके भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे ठीक है तो अब नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग ऑफ फेजर अगर आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में किस ब्रांच में कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कितने डिग्री से लीड कर रही है ठीक है तो इन आवर ब्रांच नंबर वन वी वी आर हैविंग अ रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टर अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हुआ है तो जो हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट किया हुआ था सिंगल फेज में उसका डेरिवेशन अगर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा तो आप ये जानते होंगे कि इंडक्टर के केस में there is a phase difference between supply voltage and current where a current lags from supply voltage ideally by 90 degree ठीक in case of resistance there is no phase difference between voltage and current तो अगर resistance लगा हुआ है तो उसके कारण वैसे ही कोई phase difference नहीं हो रहा है inductor के कारण अगर phase difference हो रहा है तो उस condition में supply voltage will lead from the current ideally by 90 degree तो अगर मैं यहाँ ऐसा phasor draw करूँ और अगर suppose मैंने यहाँ पे voltage को ऐसे express कर दिया since vm1 और vm2 बोथ आर इक्वल है ना हैविंग अ वैल्यू ऑफ टू एटी टू पॉइंट एट फोर टू वोल्ट तो अब फर्स्ट केस के लिए मुझको सबसे पहले आई एम वन को ट्रेस करना है तो मैं जानता हूं अगर सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो डेफिनेटली करंट लैक करेगी सप्लाई वोल्टेज से और कितने डिग्री से लैक करेगी वो वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा हुआ दैट इज फाइव वन तो सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स सेवन डिग्रीज पीछे चलेगी करंट आई एम वन जिसकी मैग्नीट्यूड है इसकी मैग्नीट्यूड है आई एम वन इज इक्व टू सेवन पॉइंट टू फाइव जीरो एम्पेयर और फेस डिफरेंस एंगल कितना है सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स सेवन डिग्रीज ये बन गया इसका फेज एंगल फाइव वन दैट इज सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स सेवन डिग्रीज ठीक है फर्स्ट कंडीशन के लिए ग्राफ ट्रेस हो चुका है दैट इज फॉर वी एम वन एंड आई एम वन अब सेकेंड कंडीशन के लिए अगर मैं ग्राफ ट्रेस करने जाऊं तो आई विल हैव टू ट्रेस दैट ग्राफ बिटवीन वी एम टू एंड आई एम टू तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ब्रांच टू में लगा हुआ है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के कारण नो फेस डिफरेंस बट फॉर कैपेसिटर करंट लीड्स फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज आइडियली बाय 90 डिग्री तो अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो डेफिनेटली वीएम टू से आई एम टू लीड करती हुई दिखनी चाहिए कितने डिग्री एंगल सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन थ्री सिक्स डिग्रीज ठीक है और मैग्नीट्यूड जरा देख लेते हैं इसका 3.446 तो देखिए आई एम वन की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 7.250 है है इसकी 3.446 तो इसकी फेजर में जो लाइन है उसकी लेंथ भी थोड़ी छोटी होनी चाहिए कंपैरेटिवली और इसको ड्रॉ कर लेते हैं और लिखते हैं आई एम टू इज इक्व टू थ्री पॉइंट डबल फोर सिक्स एम्पियस एंड देन द फेज डिफरेंस एंगल फाइव टू Should be equal to 75.936 degrees, and this is the direction of rotation with omega t radians. ये होगा एक प्रॉपर तरीका किसी भी फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने का इसके अलावा भी दूसरे भी तरीके हो सकते हैं आप करंट को रेफरेंस पॉइंट पे एक्सप्रेस करके वोल्टेज को फ्लक्चुएट करते हुए सॉरी वोल्टेज को आप फेज डिफरेंस पे मूव करता हुआ शो कर सकते हैं बट यूजुअली मैं इस तरीके से फेजर ड्रॉ करना ज्यादा पसंद करता हूँ इसमें हम वोल्टेज को रेफरेंस सेक्शन पे प्लेस करके ट्रेस करके शो करते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग आई वन आई टू आई एम वन आई एम टू जो भी क्वांटिटीज है उसको ट्रेस करना शुरू करेंगे ठीक है सो दिस वॉज द एंटायर फेजर फॉर क्वेश्चन नंबर वन ये हमारा पहला क्वेश्चन था पैरेलल एसी सर्किट का अब मैं आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पैरल एसी सर्किट का थोड़ा सा एक और डिटेल में कुछ और कंसेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी पूछे हुए हैं और जो सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर्स के एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट ठीक है तो आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जो है वो क्या है आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था सेकंड क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं और ये थोड़ा सा अन क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं ठीक है तो सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है ये ठीक है बहुत सारा कुछ चीज नहीं पूछा हुआ है लेकिन जो भी पूछा हुआ है वो प्रॉपर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको ठीक है तो आइए एक बार क्विकली क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है इसमें लिखा हुआ है इफ़ इन द गिवन सर्किट इफ अ वोल्ट मीटर रीड्स सिक्सटी वोल्ट्स देन फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर ये लिखा हुआ है देखिए सर्किट में यहाँ वोल्ट मीटर बना हुआ है और लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर ने अगर सिक्सटी वोल्ट रीड किया हुआ है तो आप बताइए कि सर्किट के अकॉर्डिंग एमीटर की रीडिंग कितनी होगी आइडेंटिफाई करना है हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक तो एमीटर क्या चीज़ रीड करता है एमीटर एक ही चीज़ रीड करता है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंट वोल्ट मीटर अगर 60 वोल्ट रीड कर रहा है बोलने का मतलब ये है कि इस 4 ओम के अक्रॉस की जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज 60 वोल्ट ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में पहले से और सिर्फ इस डेटा का यूज करके और इस गिवन पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको यहाँ से टोटल सप्लाई करेंट फाइंड आउट करनी है तो सीधे सीधे टू द पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई करेंट आई आर एम एस टोटल जबकि आपके पास दो ब्रांचेज हैं ब्रांच वन having a a inductor of XL is equals to 3 ohms in series with a resistor इंडक्टर ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू थ्री ओम्स इन सीरीजर सिक्स जबकि एंड रजिस्टेंस ऑफ फोर ओम्स ठीक तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं पिछले क्वेश्चन को भी जो हम लोगों ने बनाया हुआ था उसको भी सॉल्व करने के दो तीन तरीके होते हैं इसको भी सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं पहला तरीका तो ये है जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाया हुआ था इंबिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग इंडिविजुअली जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के फॉर्म में लेकिन दूसरा मेथड जो है वो ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यानी कि देखिए क्वेश्चन में आपको आर प्लस जे एक्सएल के फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्टली z निकाल सकते हैं पोलर फॉर्म में आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में वैल्यू गिवन है आप जेड निकाल लीजिए पोलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में आपको जो भी इंपिडेंस मिलेगा वो एट एन एंगल के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी तो आप चाहे तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं दैट इज इक्वली करेक्ट ठीक है हम लोग अपना कन्वेंशनल मेथड अगर फॉलो करें तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि इम्पिडेंस जेड वन और जेड टू फाइंड आउट कर लेते हैं उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है कि आप नेमिंग कर दीजिए कि, कि किसको आप जेड वन एज्यूम कर रहे हैं और किसको आप जेड टू एज्यूम कर रहे हैं ठीक अब इसका अप्रोच कैसे करना चाहिए देखिए हमको इस सेक्शन की वोल्टेज पता है ठीक है अगर इस वोल्टेज और रेजिस्टेंस का यूज करके आप किसी तरीके से इस ब्रांच की करंट को फाइंड आउट कर लें वैल्यू ऑफ आई टू तो सीरीज सर्किट के अंदर करंट कभी चेंज नहीं होने वाली अगर ये करंट नहीं चेंज होगी तो मतलब ये पूरे ब्रांच के अक्रॉस सेम करंट जाएगी दैट मीन्स नाउ यू विल बी हैविंग द ओवरऑल ब्रांच करंट ऑफ दिस सेक्शन अब ये ब्रांच करंट आई टू आ गया इस सेक्शन का जेड टू आप निकाल लेंगे यहाँ पे तो आई टू और जेड टू का यूज करके यू कैन फाइंड द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच इस पूरी ब्रांच की कितनी पोटेंशियल है ओवरऑल वो आप फाइंड आउट कर लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में वो जो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप होगा बीइंग अ पैरेलल सर्किट दैट विल बी सेम इन द सेकंड ब्रांच आल्सो या फर्स्ट ब्रांच आल्सो तो मतलब इसका यूज करके आप यहां से वी वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और जब जेड वन पहले से निकला हुआ है वी वन आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इस ब्रांच की करंट आई वन भी निकाल सकते हैं आप ठीक है तो ये एक तरीका होता है इसको अप्रोच करने का इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं दूसरा मेथड आपको अभी क्विकली बता देता हूं मैं कि अगर सपोज आप चाहें तो डायरेक्टली जेड टोटल निकाल लीजिए आप इस ब्रांच की सबसे पहले करंट निकालेंगे आई टू ठीक है और उस करंट के बाद आप इस सेक्शन की वोल्टेज निकाल लीजिए अब जो वोल्टेज इस सेक्शन पे होगा वही वोल्टेज पैरेलल सेक्शन के अंदर भी होने वाला है तो आप क्या करेंगे दोनों ब्रांचेस को पैरेलल में सॉल्व करेंगे सेम वोल्टेज कंसिड करेंगे और उसके लिए आप करंट निकाल देंगे जो करंट होगा दैट विल बी द टोटल करंट तो कई सारे मेथड्स हैं आप चाहे तो डायरेक्टली आई वन प्लस आई टू करके आई टोटल निकाल सकते हैं या इंडिविजुअली जेड पैरेलल कैलकुलेट करके आप उस वोल्टेज को यूज करके करंट निकाल सकते हैं तो इनमें से कोई एक मेथड हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं तो आइए देखते हैं जेड वन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग इट शुड बी सिक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक तो इट शुड बी सिक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सेवन जीरो एट ओम्स वैसे ही जेड टू भी निकाल लेते हैं फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ठीक है सो इट शुड बी फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर सो दिस इज फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स

I RMS 2 is equals to 15 amperes. फिफ्टीन एम्पियर्स ये फिफ्टीन एम्पियस की करंट मिल गई हमको यहाँ पे ठीक है दैट मींस इस पूरे ब्रांच की करंट मिल गई हमको फिफ्टीन एम्पियर्स इस पूरे ब्रांच का इम्पिडेंस जेड टू भी हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स ओम्स ठीक है अब जब ये दो वैल्यूज हैं तो सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग यहाँ की आई सॉरी वी आर एम एस टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं सो वी आर एम एस टू इज इक्व टू वी इज इक्वस टू आई इन टू आर आई आर एम एस टू इंटू जेड टू तो वी आर एम एस टू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से फिफ्टीन इंटू फाइव पॉइंट देर फोर वी आर एम एस टू इज इक्वस टू फिफ्टीन इंटू फाइव पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स सॉरी इट इज फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स therefore this becomes 84 .84 volts. ठीक है वी आर एम एस टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने अब बींगल सर्किट वी आर एम एस टू और वी आर एम एस वन या वी आर एम एस टोटल आप बोल लीजिए ये सारी वैल्यूज सेम होने वाली है ठीक तो अगर वी आर एम एस टू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो आप लिख सकते हैं कि वी आर एम एस वन भी वही होगा जो वी आर एम एस टू है देर फोर अगर वी आर एम एस वन की वैल्यू आपको पता चल गई यू ऑल्सो है वैल्यू ऑफ जेड वन एज सिक्स पॉइंट सेवन जीरो एट ओम्स तो इन दोनों का यूज करके आप आई आर एम एस वन भी फाइन कर सकते हैं दैट इज वी आर एम एस वन बाई जेड वन दैट इज एटी फोर पॉइंट एट फोर अपॉन सिक्स पॉइंट सेवन जीरो कर लेते हैं इसको एटी फोर पॉइंट एट फोर अपॉन सिक्स एंड नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस वन दू ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर सेवन एम्पियस तो देखिए इंडिविजुअल ब्रांच करंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया आई आर एम एस टू आई आर एम एस वन आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं नाउ आई आर एम एस टोटल वस टू आई आर एम एस वन प्लस आई आर एम एस टू और सिंपली आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं आई आर एम एस टोटल इज इक्वस टू सो इट शुड बी ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर सेवन प्लस फिफ्टीन दट इज इक्वस टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स फोर सेवन विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एमीटर जो है इस वैल्यू को रीड करके आपको शो कर सकता है तो इस कैलकुलेशन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं आप चाहते तो ये जो वी आर एम एस आपने निकाला हुआ था इस स्टेप में यहाँ पे जो वी आर एम एस टू लिखा हुआ है आप इसी वी आर एम एस टू का वी टोटल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल सर्किट है टोटल सप्लाई वोल्टेज भी इतनी ही होगी एक्जैक्टली ये टोटल वोल्टेज और इम्पिडेंस का आप टोटल निकाल सकते थे जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू अब टोटल इम्पिडेंस और टोटल वोल्टेज का यूज़ करके आप टोटल सप्लाई करंट निकाल सकते हैं तभी भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी दूसरा अप्रोच ये था इसका तीसरा अप्रोच कि आप चाहते तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू है इसको पोलर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं एंगल के फॉर्म में वैल्यू आ जाती बट सिंस हमको यहाँ पे कोई फेजर डायग्राम ड्रॉ करने को बोला नहीं गया है कोई फेजर नहीं फाइंड करना है कोई आपको फेस डिफरेंस एंगल नहीं फाइंड करना है इसलिए वो फॉर्म अभी फिलहाल के लिए उतना फिजिबल नहीं है अगर वैसा कुछ फाइंड करना होता तो आप उसको पोलर में कन्वर्ट करके उसके फेज एंगल का यूज़ करके आप चाहते तो इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे ठीक है तो आई होप कि आपको ये दो एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन का कुछ आइडिया हुआ होगा कुछ पैरल सर्किट को कैसे सॉल्व करना है इसका एक बेसिक अप्रोच समझ में आया होगा ठीक है और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप यहाँ वीडियो में लिख सकते हैं इसमें मेरे साथ और बने रहिएगा इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरल एसी सर्किट्स के बारे में तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा कि सीरीज के कंसेप्ट और पैरल्स के कंसेप्ट एक साथ एक क्वेश्चन पे कैसे कंबाइन होते हैं जब वैसे कोई भी क्वेश्चंस को आप काउंटर करते हैं तो तो अभी फिलहाल के लिए पैरल एसी सर्किट का ये वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपसे सीरीज पैरल कंबाइंड ए सर्किट के लिए तब तक तब तक बने रहिएगा हमारे साथ गेट अकेडमी प्लस के वीडियोज में थैंक यू वेरी मच